हेलो एवरीवन, दिस इज प्रज्वल वर्मा फ्रॉम आईएमसीटी एस्पिरेंट्स। तो लेक्चर 3 आ गया है अल्फाबेट टेस्ट का। भाई देखो, पिछली बार जो था एल मिसिंग था दो वीडियोस में, तो भाई हेट मत फैलाओ यार उसकी। ऐसा ठीक है, गलती हो जाती है, इंसान हूँ, ऊपर से इंग्लिश कमज़ोर है थोड़ी मेरी। ठीक है, मैंने लिख दिया है नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में कि थोड़ा सा देख लेना भाई, अल्फ़ाबेट का स्पेलिंग गलत था, इस बार भी गलत है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। ठीक है, अब बोलोगे सर आप अल्फ़ाबेट टेस्ट करवा रहे हो, अल्फ़ाबेट का स्पेलिंग ही नहीं आता आपको। अरे ठीक है यार, गलती होती है, इंसान से होती है, मान जाओ, दिल पे मत लो। ठीक है, तुम्हें आती है, तुम तेज हो यार, हम इतना तेज नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आगे क्या बोल रहे हो सर, आप तेज नहीं हो, रैंक कैसे आया आपका? आ गया भाई, किस्मत होता है, पढ़ना पड़ता है थोड़ा। ठीक है, चलो पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो है हमारा, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ल्ड इंस्ट्रक्शन INSTRUCTION। इसका स्पेलिंग तो सही है ना भाई, इंस्ट्रक्शन विच हैव एज मिनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ल्ड एज इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, समझाता हूँ जरा भाई। देखो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन O P Q R S T U V W X Y Z, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक है, 26 के 26 वर्ड लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब मैं बताता हूँ, देखो भाई ये कहना चाह रहा है, जैसे A और C के बीच में एक आता है, एक अल्फाबेट आता है ए और सी के बीच में, तो कह रहा है कि अगर इस वर्ड में अगर ए और सी कहीं एग्जिस्ट करता है तो उसके बीच में भी एक ही वर्ड होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आई और एन है, तो आई और एन जो यहाँ पे शो कर रहे हो, 1 2 3 4 चार वर्ड आते हैं इसके बीच में, यहाँ जीरो है, तो उसका मतलब ये वो पेयर नहीं है। आई और एस, आई और एस कितने सारे वर्ड आ गए देख रहे हो उसके बीच में, आई यहाँ है, एस यहाँ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 वर्ड है भाई आई और एस के बीच में, एक ही यहाँ पे, तो पॉसिबल नहीं है। एन और एस, एन 14 है, एस ये है, फिर से सेम सिचुएशन, ये भी वो कपल नहीं है। एस और टी क्या होता है, बगल वाले हैं, तो एक पेयर तो ये रहा अपना बगल वाले, ना इनके बीच, इनके बीच में यहाँ भी कुछ नहीं आता, यहाँ भी कुछ नहीं आता। ठीक है, तो एक पेयर तो ये रहा अपना, टी एन आर, इनके बीच में एक आता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं आता है। आर एस, एक आता है, आर एस के बीच में एक भी नहीं आता और यहाँ पे एक आ रहा है, इसका मतलब ये भी वो पेयर नहीं है। आर और यू, इनके बीच में दो आते हैं बट यहाँ कंसेक्यूटिव है, इसका मतलब वो पेयर नहीं है ये। ठीक है, यू सी सेम सिचुएशन, सी टी सेम सिचुएशन, टी आई सेम सिचुएशन, आई ओ सेम सिचुएशन, एन ओ एन सेम सिचुएशन। अब थोड़ा और देखते, ध्यान से देखते हैं, अभी एक ही पेयर दिखाया मैं आपको, अब जरा सी और आई, सी अपना 3 है, आई 9 है, इसके बीच में भी एक आ रहा है भाई, होने जबकि कई सारे चाहिए। और बताओ और कौन कौन सा हो सकता है पॉसिबल, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा ज़्यादा। ठीक है, मैंने अभी सॉल्व नहीं किया है भाई, तो पहली बार मैं भी अटेम्प्ट कर रहा हूँ, तो कह सकते हो लाइव जा रही है ये चीज़। 14 है, ओ 15 है, अच्छा देखो एक ओ और एन भी है यहाँ पे। ठीक है, ओ और एन भी यहाँ पे एक ऐसा पेयर है जिसके बीच में एक भी अल्फाबेट नहीं आ रहा है, जैसा कि सीक्वेंस में दिख रहा है, यहाँ पे एन ये रहा, ओ ये रहा, यहाँ पे भी सेम सिचुएशन क्रिएट हो गई है। ठीक है, समझ गए होगा ना आप, तो समझदार इतने हो ही सही। तो देखो, अब देखो यहाँ N दिया हुआ है, यहाँ T दिया हुआ है, N 14 होता है, T 20 होता है, इनके बीच में कितने आने चाहिए, 5 आने चाहिए, क्योंकि 20 में से 14 माइनस करेंगे 6 आ गया, 6 तो डिफरेंस है, मतलब 5 इनके बीच में क्वांटिटी होंगी हमारी, 5 लोग होंगे इनके बीच में हमारे, तो 1 2 3 4 5, इसका मतलब एक तो ये वाला पेयर हो गया। ठीक है, और इसी तरीके से अगर देखो, आई की वैल्यू 9 होती है, सी 3 होता है, इनका डिफरेंस भी 6 आएगा,
और सिक्स का मतलब पांच लोग होने चाहिए इनके बीच में, 1 2 3 4 5, इसका मतलब एक पेयर ये भी हो गया। एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, एक पेयर ये है और एक पेयर ये है। भाई अगर किसी को समझ नहीं आया है अभी तक तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, मैंने लगभग एक्सप्लेन कर दिया है चीज़ को, मुझे लग रहा है कि 100% मेरी तरफ से चला जा चुका है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया है तो बता देना मेरे को, ठीक है। तो यार चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा, क्योंकि आपको पता ही यार कितने टफ टफ क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं यहाँ पे। एप्टीट्यूड में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इतने टफ नहीं आएंगे, थोड़ा ईजी रहेगा एमसीटी का लेवल, बट हम मिस नहीं करना चाहते, क्या पता अब गलती से टफ बना दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसीलिए कह रहे हैं हमसे बार बार। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई एम एसीटी एस्पिरेंट साइनिंग ऑफ।